अज़ीज़ तलबा अस्सलाम अलैकुम। इस वक्त मेरे सामने साहिर रिधवानवी की नज़म है, वो सुबह कभी तो आएगी। ये साहिर रिधवानवी की हमारे कोर्स में शामिल आखिरी नज़म है और यहाँ आकर शायरी का हिस्सा भी मुकम्मल हो जाएगा। ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स बुनियादी तौर पर इसी नज़म के बारे में और फिर आखिर में कुछ बात अमूमी नौजियत की करेंगे। साहिर रिधवानवी की यह नज़म 10 बंदों पर मुश्तमिल है, को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, 7 बंद अलग और फिर आखिरी 4 बंद, 3 बंद हैं वो अलग। दोनों के मिजाज में थोड़ा सा फ़र्क है। यह नज़म बुनियादी तौर पर मुसलस है, 3 मिसरों का एक बंद है और उसके बाद एक टीप का मिसरा है, एक अलग मिसरा है जो मुस्तकल तौर पर रिपीट हो रहा है, जिसका बर्डन ऑफ द सॉन्ग कह लीजिए या उर्दू में टीप का मिसरा जिसको हम कहते हैं। अगर इस नज़म का बुनियादी ख्याल हमें पेश करना हो तो हम इसको उम्मीद की नज़म कहेंगे, सुबह 9 की उम्मीद, हालात के तब्दील होने की उम्मीद, गुलामी से इस्तेहसाल से आज़ादी की उम्मीद। साहिर रिधवानवी के कलाम में इस कस्म की नज़में चंद हैं। अमूमी तासुर साहिर का दुख का, तकलीफ का, बेचारगी का और नाकामी का है। आम तौर पे साहिर एक नाकाम मायूस शायर के तौर पर सामने आता है और तंज की काट ज़्यादा है, गुस्सा तंज की काट। लेकिन तलखियों में कुछ नज़में हैं, इस तरह कुछ बातें, तलुए इश्तराकियत, बंगाल, ये किसका लहू है, आवाज़ आदम, आज, ये 5-6 नज़में हैं। और ज़ाहिर है जो नज़म हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, वो सुबह कभी तो आएगी, ये आप इनके समझे कि इनको हम कौमी नज़में कह सकते हैं, क्या ये वो हैं कि जो एक इनफरादी दुख या मोहब्बत की नाकामी या समाजी नाकामी के बजाय एक सियासी कनोटेशन लिए हुए हैं, एक सियासी तासुर के साथ हैं, जिसमें हमारे पास आज़ादी, इश्तराकियत, वो जो पहलू हैं ज़िंदगी के या उस दौर के, वो खुल के सामने आते हैं। ये नज़में चंद हैं लेकिन बहुत मुअस्सर हैं। साहिर रिधवानवी की बाकी सारी शायरी किसी और मूड की है, लेकिन ये नज़म अपनी जगह एक अलग कैफियत रखती है। आमतौर पर जैसे मैंने कहा कि साहिर मायूस और दिल गिरफ्तार शायर है, लेकिन इन नज़मों में और ख़ास तौर पर इस नज़म में बड़ा जोश और वलवला है, एक ख़ास कस्म की तवानाई मिलती है। वो किसी तरह किसी से दबने को तैयार नहीं है, लड़ जाने की ख्वाहिश। इसी की अगर मुझे काउंटर पार्ट नज़म देना हो तो मैं साहिर के कलाम में से आवाज़ आदम दूंगा, कि जिसका जिक्र हमने फैज़ साहब की नज़म चंद रोज़ और मेरी जहाँ फ़कत चंद ही रोज़ पढ़ाते हुए किया था। दबेगी कब तलक आवाज़ आदम, हम भी देखेंगे, रुकेंगे कब तलक जज्बात बरहम, हम भी देखेंगे। उस कस्म की बात, यहाँ पर वही उम्मीद हमें दोबारा नज़र आती है, आज़ादी की ख्वाहिश और ये सोच कि अब
हम गुलाम नहीं रहेंगे। हम इस्तेसाली कुवतों के खिलाफ सब आरा होंगे। इश्तराकियत, कम्युनिज्म, ये इस नज़म की बुनियाद है। देखिए, मसला ये था कि 1917 का बल्शेविक इनकलाब या रशियन रिवॉल्यूशन, जो कार्ल मार्क्स और उसके जो दूसरे जोंग वगैरह उसके थे, फॉलोअर्स थे, उनकी सोच और उनके नज़रिए के मुताबिक एक नई समाजी कुव्वत सामने आई थी। एक ऐसी समाजी कुव्वत जिसने मईशत, माशरे, सियासत, हर पहलू को मुतासिर किया था। और 1920-1930 के जो अशरे हैं, वो नौजवानों के लिए या उस दौर की नई नस्ल के लिए बहुत, ये कहिए कि वलवला अंगेज हैं। ये भी याद रखिए कि ये ज़माना है कि जब गुलामी अपनी इंतहा पर है। बरतानिया, एक हद तक अमेरिका, फिर फ्रांस वगैरह जो साम्राज्य कुव्वतें थीं, ये देवर एट द जनत ऑफ कलोनाइजेशन, नौबादियात की इंतहा का ज़माना ये था। फिर पहली जंग अजीम के बाद चीज़ें बिखरना शुरू हुईं, लेकिन फिर भी इख्तदार कायम था। और 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो फिर सियासी मानों में नौबादियात का निज़ाम ख़त्म हो गया। लेकिन वो जो 20 साल हैं, उसमें नौजवानों को ये एहसास हो रहा था, एक नई पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल को, कि एक निज़ाम, एक ऐसा सामने आ गया है कि जो गुलामी, इस्तेसाल, माशर्ती ऊंच नीच से हमें बचा सकता है। कैपिटलाइजेशन, कैपिटलिज्म, सरमायादारी निज़ाम, उसकी जो बदतरीन शक्लें हैं कि मुनाफा किसी और को मिल रहा है, मेहनत कोई और कर रहा है। और ये भी ये याद रखिए कि आजकल जो सरमायादारी निज़ाम हम देखते हैं, जिसने मजदूर को बहुत सी सहूलियात दी हैं, वर्कर्स बहुत बेहतर हो गए हैं, सहूलियात मिलती हैं, सैलरीज अच्छी मिलती हैं, ये बुनियादी तौर पर उस कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन से बचने की कोशिश थी। 1930 से पहले सिर्फ मेहनतकश को निचोड़ा जा रहा था, उसको मिल कुछ नहीं रहा था। और जब एक निज़ाम ने आधी दुनिया को स्वीप किया, तो फिर सरमायादाराना मईशत ने अपने आप को बचाने के लिए अपने वर्कर्स को, अपने काम करने वालों को बहुत सी सहूलियात दी। ये एक तारीख का जबर है। बात ये हो रही थी कि साहिर और उसकी नस्ल के लोगों ने, नौजवानों ने, और फिर फैज़ वगैरह और उनके दोस्तों की शक्ल में तरक्की पसंद मुसन्निफीन की तहरीक, उनको ये एहसास मिल रहा था कि हम आज़ाद हो सकते हैं। ये चंद नज़में साहिर की उस कैफियत और उस सोच के ज़ेर असर लिखी गई हैं। यहाँ पे भी आप ये देखेंगे कि वो माशरे को या उन कुव्वतों को चैलेंज करता हुआ नज़र आएगा कि जो गरीबों का इस्तेहसाल करती हैं, या जो किसी तरह भी अफराद या अक्वाम को उनके हकूक़ से महरूम करती हैं। इस नज़म का पहला हिस्सा उम्मीद है, वो सुबह कभी तो आएगी। उसको यकीन नहीं है कि कब आएगी, सिर्फ ये कि कभी तो आएगी। एक तवक्को, एक उम्मीद, एक खूबसूरत सुबह का ख्वाब।
और फिर दूसरा हिस्सा ज़्यादा अमली है, ज़्यादा हकीकत के नज़दीक है और एक अवेयरनेस, एक शऊर है इसमें, वो सुबह हम ही से आएगी। अब ये ख्वाब नहीं है, उम्मीद नहीं है, ये यकीन। अप्रोच, नुक्ता नज़र तब्दील हो गया। और इसके बाद हम इस नज़म के बारे में जो दो तीन अमूमी कस्म की बातें करेंगे वो ये है कि इस नज़म का जो स्टाइल है वो गीत या तराने का है। बहुत सादा अल्फाज, एक थोड़ा सा तेज़ रिदम, तराने का सा अंदाज है, एक मार्चिंग ट्यून है जिसका रिदम है वो तेज़ है। आप इस नज़म को पढ़िए और इससे पहले जो हमने गुज़श्ता नज़म पढ़ी कभी कभी, उन दोनों के अल्फाज और तासुर को देखिए। तो ये वो शायराना इजहार है। लेकिन यहाँ ये भी याद रखिए कि इस नज़म का असलूब अहम है, इसके अल्फाज अहम हैं, ख्याल बहुत सादा है। सुबह नौ, एक बेहतर मुस्तकबिल, उस अच्छे वक्त के आने की उम्मीद, लेकिन उसके लिए जो मिसालें दी गई हैं, जो अल्फाज और मैं जानबूझ के तस्बीहात और इस्तारे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसलिए कि साहिर का इस नज़म में कमाल ये है कि वो इस्तारे इस्तेमाल नहीं करता, एक दो के अलावा इस्तारे नहीं हैं, तस्बीहात नहीं हैं। मैंने आपसे ये बात भी कही थी कि साहिर एक अमली शायर है, वो उन चीज़ों की बात कर रहा है कि जो हो रही हैं और जो हो सकती हैं, अमल वाकया, एक लिविंग एक्शन, ये साहिर की खसूसियत है और ये इस नज़म में भी मौजूद है। वो सिर्फ तसव्वुरात को लेकर नहीं चलता, वो उन मजालिम को बताता भी है और उनका हल भी पेश करता है कि जो अमली तौर पर ऑन ग्राउंड हैं। इसलिए इस नज़म का बयान, मुशाहिदा और इजहार अहम है। जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो बहुत आम जिंदगी के हैं, आम लोगों के बोलचाल के हैं। आप देखेंगे कि कुछ हिंदी के अल्फाज भी इसमें आएंगे जो साहिर आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करता। साहिर की उर्दू बहुत ये कहिए कि खालिस कसम की उर्दू है, लेकिन यहाँ आके वहाँ वो आम बोलचाल के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कुछ बोलियाँ वो इस्तेमाल करता है। इसके पहले बंद में कुछ इमेजिनरी मौजूद है, लेकिन उसके बाद सारी वो तल्ख हकीकतें हैं, उनका बयान उसी तरह कर दिया गया है कि जैसे कि वो हो रही थीं और जिनसे शायर छुटकारा हासिल करना चाहता है। वो ये कहता है कि वो सुबह कभी तो आएगी, वो वक्त दूर नहीं कि जब हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम और फ़र्द के तौर पर ज़िंदगी गुजारेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।